नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बताएंगे कि क्या है धर्म का सत्य, क्या है धर्म का आधार, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, आर्य धर्म, सनातन धर्म, क्या है इन धर्मों में अंतर, क्या ये सब एक ही धर्म है या इनमें कोई अंतर है। आज के इस वीडियो में हम आपको सनातन धर्म की सत्यता का बोध करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने सनातनी भाइयों को भी इसके बारे में बताएं। वेदों में लिखा है ईश्वर अजन्मा है। ईश्वर तो एक ही है लेकिन उनके रूप अनेक हैं। उस एक को छोड़कर उक्त अनेक के आधार पर नियम, पूजा, तीर्थ आदि कर्मकांड को सनातन धर्म का अंत नहीं माना जा सकता। यही सनातन सत्य है और यही सनातन धर्म है। यह एकमात्र ऐसा धर्म है जो आदि अनंत काल से चला आ रहा है और यह हमें परब्रह्म और मोक्ष का मार्ग बताता है। यह हमें किसी चीज का लालच नहीं देता, बल्कि यह हमें उन लालची चीजों से मुक्त होने का मार्ग बताता है। सनातन धर्म के इतिहास को यदि वेदों के अनुसार जाना जाए तो ऋग्वेद में सनातन धर्म की कुछ इस तरह से व्याख्या की गई है, सत्यम शिवम सुंदरम, जिसका पूरा अर्थ है यह पथ सनातन है। समस्त देवता मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। हे मनुष्य, आप अपने उत्पन्न होने के आधार रूपा अपनी माता को विनिष्ट न करें। वेदों के अनुसार सत्य सनातन है। ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है, और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म भी सत्य है। सनातन मतलब जो शाश्वत है, सदा के लिए सत्य है। जिन बातों का शाश्वत महत्व है वही सनातन कहा गया है। वह सत्य जो आदिकाल से चला रहा है और इसका कभी कोई अंत नहीं है, जिनका ना कोई आरंभ है और ना अंत है, उस सत्य को ही सनातन सत्य धर्म कहा गया है। सनातन धर्म के मूल तत्व अहिंसा, दया, श्रम, दान, जप, तप, यम, नियम आदि हैं, जिनका शाश्वत महत्व अन्य प्रमुख धर्मों के उदय होने से पूर्व वेदों में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया गया था। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यह एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष की परिभाषा इसी धर्म की देन है। एक निष्ठता, ध्यान, मौन और तप सहित यम नियम के अभ्यास और जागरण का मोक्ष मार्ग है। अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। ऋग्वेद के अनुसार यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन धर्म के इतिहास में 108 उपनिषद हैं। इनमें से एक बृहदारण्यक उपनिषद की हम बात करते हैं। इसमें लिखा है अस्तो मा सद्गम्य, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थात हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। जो लोग उस परम तत्व पर ब्रह्म परमेश्वर को नहीं मानते हैं वे असत्य में गिरते हैं। असत्य से मृत्युकाल अनंत अंधकार में पड़ते हैं। उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की ही गाथा सिद्ध होती है। वो कभी अमृत को प्राप्त नहीं करते हैं। मृत्यु आए इससे पहले ही सनातन धर्म के मार्ग पर आ जाने में ही भलाई है, अन्यथा अनंत योनियों में भटकने के बाद प्रलयकाल के अंधकार में पड़े रहना पड़ता है। ऐसा हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है। इन्हें 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद है और जिसे इश उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लिखा है सत्य दो धातु से मिलकर बना है, सत और तत्। सत का अर्थ है यह और तत् का अर्थ है वह। दोनों ही सत्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत् वामसि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूं और तुम ही ब्रह्म हो। यह संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है। ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर ही ब्रह्म और पूर्णता में न्यूनता नहीं आई, वह शेष रूप में भी पूर्ण ही रहता है। और यही सनातन धर्म सत्य है। जो सत्य सदा सर्वदा निर्लिप्त, निरंजन, निर्विकार और सदैव
स्वरूप में स्थित रहता है उसे सनातन शाश्वत सत्य कहते हैं। वेदों का ब्रह्म और गीता का स्थित प्रज्ञ ही शाश्वत सत्य है। जड़, प्राण, मन, आत्मा और ब्रह्म शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। सृष्टि व ईश्वर अनादि, अनंत, सनातन और सर्वभूपी हैं। दोस्तों, आपको हमने बताया कि सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत या सत्य। जो सत्य है वही सनातन है और इसी को सनातन धर्म कहते हैं। तो अगर हम बात करें सनातन धर्म से जुड़े जड़ तत्व की, तो वो ये है आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम आभास या महसूस कर सकते हैं और जिनको अभिभूत कर सकते हैं। तो यही शाश्वत सत्य की श्रेणी में भी आते हैं। यह अपना रूप बदल सकते हैं लेकिन समाप्त नहीं होते। प्राण की भी अपनी अवस्थाएं हैं। प्राण, अपान, समान और यम, ज्ञानी लोग ब्रह्म को निपुण और शगुण कहते हैं। उक्त सारे भेद तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त न कर ले। यही सनातन धर्म का सत्य है। अभी तक आपने जाना कि सनातन धर्म क्या है और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई और इसके साक्ष्य और प्रमाण हमारे पास क्या हैं। लेकिन हम बात करते हैं हिंदुत्व, आर्यव्रत और वैदिक, इनके नाम क्यों और कैसे रखे गए, इनका इतिहास क्या है, या ये कहें कि इनका रहस्य क्या है। हम अगर बात करें हिंदुत्व धर्म की, तो ईरानी अर्थात पारसी देश के पारसियों की धर्म पुस्तक अविस्था में हिंदू और आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। दूसरी ओर अन्य इतिहासकार मानते हैं कि चीनी यात्री ह्यूनसांग के समय में हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु से हुई है। इंदु शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। भारतीय ज्योतिषीय गणना का आधार चंद्रमास ही है। चाइना के लोग भारतीय को इंतु हिंदू कहने लगे। कुछ विद्वान कहते हैं कि हिमालय से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। हिंदू कुछ पर्वत के नाम से ही हमारे धर्म का नाम हिंदू पड़ा। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कि आर्यव्रत क्या है, आर्य धर्म क्या है और आर्य समाज के लोग इसे आर्य धर्म कहते हैं, किसी जाति या धर्म का नाम न होते हुए इसका अर्थ श्रेष्ठ माना गया है, अर्थात जो मन, वचन और कर्म से श्रेष्ठ है वही आर्य है। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य का अर्थ ही चार श्रेष्ठ सत्य होता है। बुद्ध कहते हैं कि उक्त शेष व शाश्वत सत्य को जानकर ही अष्टांगिक मार्ग पर चलना इस धर्मो सनातनों, अर्थात यही सनातन धर्म कहलाता है। इस प्रकार आर्य धर्म का अर्थ शेष क्षमा होता है। प्राचीन भारत को आर्यव्रत भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य शेष जनों की निवास भूमि था। सनातन मार्ग। दोस्तों, जब विज्ञान प्रतीक वस्तु विचार और तत्व का मूल्यांकन करते हैं, तब इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिद्धांत धराशाही हो जाते हैं। विज्ञान भी अभी तक सनातन धर्म को पूर्ण रूप से जानने में सक्षम नहीं हुआ है, किंतु वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन धर्म की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान धीरे धीरे उससे सहमत होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया है। वेदों में सर्वप्रथम ब्रह्म और ब्राह्मण के रहस्य से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बिना आत्मा की कोई गति नहीं है, इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। किंतु मोक्ष का मार्ग है क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यम, नियम, अभ्यास और जागरण से ही मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। जन्म और मृत्यु मिथ्या है, जगत ब्रह्म पूर्ण है, ब्रह्म और मोक्ष ही सत्य है। मोक्ष से ही ब्रह्म हुआ जा सकता है। इसके अलावा स्वयं के अस्तित्व को कायम करने के कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा के प्रति समर्पित रहने वाले ब्राह्मण और ब्रह्म को जानने वाले ही ब्रह्म ऋषि और ब्रह्म को जानकर ब्रह्ममय हो जाने वाला ही ब्रह्मलीन कहलाता है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसका कोई विरोधाभास नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन धर्म के सत्य को जन्म देने वाले अलग अलग काल में अनेक ऋषि हुए हैं। उक्त ऋषियों को दृष्टा कहा जाता है, अर्थात जिन्होंने सत्य को जैसा देखा वैसा ही कहा। इसलिए सब ऋषियों की बातों में एक रूपता दिखाई देती है। जो उक्त ऋषियों की बातों को समझ नहीं पाते हैं वे उसे भेदभाव करते हैं। भेद भाषाओं में होता है, अनुवादों में होता है, संस्कृतियों में होता है, परंपराओं में होता है, सिद्धांतों में होता है।
लेकिन सत्य में कभी भेदभाव नहीं होता। इसलिए सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका कोई विरोधाभास नहीं है। सनातन ही सत्य है और सत्य ही सनातन है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर बताएं, ताकि हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।